ये देखिए कंप्लीट जेड ब्लैक कॉपी आ गई है। हेलो दोस्तों, कैनन 3300 मशीन में अगर कॉपी ठीक से नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको बताता हूँ। ये देखिए पहले हम एक कॉपी निकालते हैं। ये देखिए पूरी लाइट कॉपी आ रही है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ड्रम का, टोनर का, वो सब हो सकता है, लेकिन ये मशीन में क्या प्रॉब्लम हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पूरा वीडियो देखें, कैसे कैसे क्या खोलना है, क्या करना है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। एक टोनर वाला यूनिट निकाल लेना है पहले, अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो भी हो सकता है, इसलिए यह भी चेक कर ले एक बार, लेकिन ये मशीन में कुछ और प्रॉब्लम है वो मैं आप आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, और आपको कॉपी निकाल के भी बताऊंगा कि कैसे करना है। ये ड्रम यूनिट आ गया इसका, ड्रम और PCR भी चेक कर ले आप, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बारिश में ज़्यादा आता है। ये दो पिन निकालने हैं, फिर इसको निकाल लेना। निकालने के बाद इसको बाहर निकालना है, तो आराम से निकालें, इसका पट्टी जो आता है वो टूट सकता है, इसीलिए इसे निकाल लें। तो दोस्तों ये निकाल लिया है, इसके हिसाब से भी प्रिंट ऐसी आती है, तो ये हम बदल के अभी देखेंगे और प्रिंट देखेंगे इसमें क्या होता है प्रॉब्लम। ये रोलर जो होता है उसके हिसाब से होता है, कभी कभी उसको अर्थिंग नहीं मिलता है उसके हिसाब से। ये दूसरे मशीन का नंबर लिया था, तो दोस्तों ये यूनिट फिट हो गया है। अभी हम मशीन चालू करेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है प्रिंट में, और बारिश में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती ही है, तो सबसे पहले ड्रम, PCR और टोनर का चेक कर लीजिए, अगर उससे भी ना हो तो ये चेक करना होता है। मशीन चालू हो रहा है, ये देखिए पहले ऐसी प्रिंट आ रही थी, मैंने आपको दिखाया था, और अभी हम देखते हैं कैसी प्रिंट आती है। देखिए मशीन चालू हो गया है और ये रही प्रिंट पहले की, अभी दूसरा प्रिंट निकालते हैं। ये देखिए कंप्लीट जेड ब्लैक कॉपी आ गई है,
पहले से बहुत बेहतर आ रही है कॉपी। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले ड्रम ब्लेड चार्जर टोनर और वो सब चेक कर लेना है, अगर उससे भी ना हुए तो ये यूनिट चेंज कर देना है, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये वाला यूनिट, इसको फीडर यूनिट भी बोल सकते हैं और ट्रांसफर रोलर यूनिट भी बोल सकते हैं। ट्रांसफर रोलर जो इसमें लगता है उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम आती है, और उसको अर्थिंग ना मिल रहा हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले ड्रम वो सब चेक करना है, बाद में ये यूनिट चेक करना है, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कौन से प्रॉब्लम पे आपको वीडियो चाहिए तो उस हिसाब से मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसका वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू।